रामायणं बालकाण्डं सप्तपञ्चाशः सर्गः विश्वामित्रे ब्राह्मण्यार्थं दक्षिणस्यां दिशि तपस्यति ब्रह्मा तत्रागत्य तस्मै राजशीत्वम् अदात् प्राप्य अतृप्तमनसो विश्वामित्रस्य पुनस्तपश्चरणम् अत्रान्तरे सशरीरं स्वर्गं जिगमिषोत्

स्मरन निग्रह मात्मनः विनिश्वस्य विनिश्वस्य कृत वैरो महात्मना सदक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः

दृढ़ने पूर्णे वर्ष सहस्रे तो ब्रह्म लोक पिता अब्रवीरम वाक्यम विश्वाम तपोधनम जिता तपसा कुशिकात्मज अने तपसा तां एव मुक्त्वा महातेज जगाम सह दैवतैहि त्रिविष्टपम ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः विश्वामित्रो पितत् श्रुत्वा या कञ्चिदवा मुखः दुःखे न महता विष्ठस् समन्युरिदम् अब्रवीत् तपश्च सुमहत्तप्तं राजिरिति मां विदुः देवा सर्षिगणा सर्वे नास्ति मन्ये तपः पलम् एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः तपश्चचार धर्मात्मा काकुस्त परमात्मावान एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेंद्रियः त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां पराङ्गतिं वसिष्ठं स समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्त्वा अच्छा पूज्य तो महात्मना अशक्यमिति अच्छा पूज्य तो महात्मना प्रत्याक्यातो वशिष्ठैन साययो दक्षिणाम दिशम ततस्तत् कर्मसिद्धर्तम् पुत्रांस्तस्य गतो नुपह वशिष्ठा दीर्घतपस्तपो यत्रहितं ते पिरे त्रिशंकुस्तु महातेज शतम परम शास्वर वशिष्ठ पुत्र तप्यमानान् दृशे सोभिगम्य महात्मा सर्वाने गुरो सुताद्यापूर्वेण प्रिया किंचिदवांग

तदनुाथ गुरुपुत्र हम सर्वा नमस्कृत प्रसाद शिसा प्रणत याचे ब्रह्मण स्थपसी स्थित सिद्ध्यजयंत सशरीरो यथा वै देवोकम्वानुयाम